ना बेटी? कमरा भी साफ कर दिया है दादी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद साफ कर लेती। और दादी, आपके हाथ में मेरी बचपन की गुड़िया। हमारी रानी बिटिया ये क्या कर रही है? मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बना रही हूँ। आपको पता है आज इसकी शादी है। अच्छा, हमें तो नहीं पता। एक बात बताओ बेटी, इस गुड़िया का दूल्हा कौन है? मेरी गुड़िया का दूल्हा एक राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार है, फिर तो वो अपने साथ इसे ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन बिटिया, शादी के बाद हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना होता है, और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगी। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी और मैं शादी भी नहीं करूंगी। अच्छा, आई प्रॉमिस यू। दादी, आई एम सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। प्रेम, तुम क्या हुआ, क्या बात है, तुम बिना इन्फॉर्म किए ऐसे चले आए, परेशान लग रहे हो। कितनी आसानी से तुम लोगों के दिल में क्या है सब कुछ भांप लेती हो। आंचल, क्या बात है प्रेम? परेशानी मेरी नहीं है आंचल, परेशानी डैड की है। क्या हुआ, क्या बात है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो डैड को इतना परेशान कर रही है। अब तो उनकी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए। यहां तक अर्चना की बात है, उसके लिए उन्हें एक अच्छा लड़का चाहिए था। घर में बैठे बिठाए एक लड़का आ गया। मेरी तुम्हारे साथ सगाई भी होने वाली है। और जहां तक राहुल की बात है,
आज नहीं तो कल एक अच्छी जगह पर उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ बोला उन्होंने तुम्हें? यही तो प्रॉब्लम है कि वो कुछ बोलते नहीं है। अब कल ही की बात है, किसी का फोन आया था, फोन को अटेंड करने के बाद एकदम चुप हो गए, एकदम गुमसुम। लाख पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं कि फोन किसका था, कौन था। माँ जी ने कुछ कहा? नहीं, माँ जी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन डैड ने उन्हें आकर रोक दिया। अब मैं उनसे पूछूंगा अभी तो वो मुझे बताएंगे नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं प्रेम को सब कुछ बता दूं? नहीं नहीं, अब तो मैं अपना मुंह तभी खोल सकती हूँ जब मैं उस सुदर्शन या मानिक की पोल खोल दूँ। देखो ना, इंसान की जिंदगी कैसे होती है, किसी ना किसी परेशानी में वो हमेशा घिरा रहता है। पहले बाबूजी को तुम्हारी और अर्चना की परेशानी थी, अब वो खत्म हो गई है, अब बाबूजी को किसी और परेशानी ने घेर लिया है। एनीवे आंचल, तुम अपना काम करो। बाबूजी की परेशानी को लेकर मैं यहाँ पर अपने दिल को हल्का करने आ गया था। मैं चलता हूँ। You're always welcome. Bye. हर हाल में इस मानिक का खेल खत्म करना ही पड़ेगा, पर कैसे? आइए, मुझे मालूम था आपसे रहा नहीं जाएगा और आप जल्द ही यहां पहुंचेंगे। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहां किस लिए आई हूं। मुझे गीदड़ भपकियां देने, लेकिन मैं खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूं आंचल जी। दूसरों की तरह मैं खोखली धमकियां नहीं देती। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक लॉयर हूं और सबूतों के बिना मैं अपना मुंह नहीं खोलती। मैं आपको लास्ट वार्निंग देने आई हूँ कि जल्द से जल्द इस शहर से चले जाइए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। आंचल जी, आप कुछ नहीं जानती। आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी तीर निशाने पर नहीं लगेगा। अगर आपके पास सबूत होता तो आप मुझे महज धमकियां क्यों देती? किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें, मानिक या फिर सुदर्शन? सुदर्शन, राइट? मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। 10 जुलाई 1989 को क्या हुआ था ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अखबार पढ़ा है मैंने। तुम एक मुजरिम हो, जेल की सजा काट कर आए हो और तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। हाँ, मैंने 10 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे हैं, लेकिन मैं निर्दोष था। हर कोई मुजरिम ऐसे ही कहता है। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 10 साल तक मैं तिल तिल कर मरा हूं सिर्फ तुम्हारे होने वाले ससुर की वजह से। वो मेरे आदर्श शिक्षक थे, आइडियल टीचर। उन्होंने मेरा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया, मेरे फ्यूचर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जी, मैं पास हो गया। क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था मैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सर हमेशा मुझसे खुश रहते थे। मेहनत करते रहो और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहो। और उन्हीं में से एक थी मधु। मुझे मालूम नहीं था कि वो मन ही मन मुझे चाहने लग गई थी। अक्सर छिप-छिप कर मुझे देखा करती थी। और एक दिन उसने सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया। सुनो, वो लड़का है ना, मेरे इनकार करने पर गुस्से में आकर मधु ने मुझसे बदला लेने की ठान ली। और एक दिन उसने मुझे स्कूल छूटने के बाद
अकेले मिलने के लिए बुलाया। तुमने मुझे बुलाया मधु? हाँ। बोलो क्या काम है? देखो उस वक्त तुम दोस्तों के समय मेरी बात टाल के चले गए थे, मेरी बातों का बचपना मत समझो सुदर्शन, रियली आई लव यू। देखो मधु, मैं शहर में पढ़ने आया हूँ, मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज लीव मी। सुदर्शन 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 सुन, सुदर्शन आई लव यू, आई लव यू। ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ माय। देखो देखो, या तो मैं अपने आप को मार डालूंगी या मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी जो मर्जी करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। लीव मी क्या हो रहा है ये? सर मुझे बचा लीजिए सर, ये मेरे साथ। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि सभी इसी लड़की ने किया है सर। शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? उल्टा लड़की को बदनाम कर रहे हो? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तो मुझे जानते ही हैं सर। शट अप, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। आज मुझे अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम जैसे लड़कों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। नहीं सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज रुकिए सर, प्लीज सर। मुझे पुलिस में दे दिया गया, अदालत में मुझ पर केस चला। मधु के पिता ने फर्जी ब्लड रिपोर्ट के जरिए यह साबित कर दिया कि मैंने मधु का रेप किया था। मेरे मां बाप दौलतमंद थे पर बेचारे बेबस होकर देखते रहे अंधे कानून का यह तमाशा। अदालत ने मुझे 12 साल की कैद की सजा सुनाई। 10th जुलाई 1989 का दिन था वो। शहर के सारे अखबारों में छपी थी वो खबर। मुझे सजा होते ही मेरे मां बाप ने खुदकुशी कर ली। जेल में पत्थर तोड़ता रहा लेकिन हर वक्त बस मेरे मां बाप और उस गोपाल सर का चेहरा ही घूमता रहता था। मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से मेरी 2 साल की सजा कम हो गई और मैं जेल से छूट गया 10 साल की सजा काटकर। तुम नहीं जानती वो 10 साल मैंने कैसे गुजारे। गोपाल सर न सिर्फ मेरे आइडियल टीचर थे बल्कि मेरे मां बाप भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। शायद इसीलिए अपने घर से इतने दूर उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन उन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके कारण मेरे मां बाप ने आत्महत्या कर ली। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उनका फेवरेट, पर उन्होंने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या झूठ। वो तो हमेशा कहते थे कि सच का कभी भी सुनकर या देखकर विश्वास मत करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पर उस वक्त उनका दिमाग कहां गया? हो जाती है सुदर्शन, लेकिन तुम्हारे वकील ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। वो आपके जैसा ब्रिलियंट नहीं था, वो फर्जी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स को फर्जी साबित नहीं कर सका। और उस वक्त एक स्कूल टीचर की रेपुटेशन एक स्टूडेंट की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और क्यों ना, दुनिया भर के सारे ऐप तो 17 साल के लड़कों में ही होते हैं ना। लड़कियां तो बेचारी होती हैं, सीधी सादी होती। आज उस बात का बदला लेने से क्या तुम निर्दोष साबित हो सकते हो? नहीं, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली तो मिल जाएगी कि जिस जुर्म के लिए मैंने सजा काटी वो जुर्म मैंने किया। मुझे रेप के लिए 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दिया गया। अब अर्चना मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। गोपाल सर की वजह से मेरे मां बाप ने आत्महत्या कर ली।
अब उन्हीं की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अर्चना दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम यही तो कहना चाह रही थी ना कि इंसानों की अदालत में गलती तो होती ही है। गलती होती है लेकिन उसका तोड़ भी यही निकाला जाता है। उसके लिए भगवान नहीं आते। इसका हिसाब किताब मैं बराबर करूंगा, सिर्फ मैं। आंचल, मैं विक्रम के यहां जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम है। आज रात को लौट पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना भैया। माने का गुस्सा देखकर तो मुझे यही लगा कि वो बहुत सीरियस है। जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। माने की हकीकत मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अभी इसी वक्त उन्हें फोन कर देती हूँ। फोन तो एंगेज्ड है, ना जाने एंगेज क्यों आ रहा है फोन, ना रिंग जा रही है। लगता है कि बारिश की वजह से सारी लाइनें खराब हो गई है। इस वक्त मैं वहां भी नहीं जा सकती। हे भगवान, क्या करूं। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। I love you, और तुम भी तो मुझे प्यार करती हो ना? I hate you, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इस सुनसान जगह लेकर क्यों आता? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। नहीं अर्चना, नहीं, मैं तो सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। I beg of you, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इसी दिन के लिए तो मैंने इतना नाटक किया है, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, तुम्हारे घर वालों का दिल जीता ताकि एक दिन उनकी इज्जत सरे बाजार नीलाम कर सके। नहीं, 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 नहीं। छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत, यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.